सर, जो पूरा मामला अब तक जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज ने कहा सीबीआई जांच होगी, परिवार को पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच होगी, अब तक क्या अपडेट है सर और क्या जानकारी है आप लोगों के पास? देखिए, जैसा मैंने अभी एसपी साहब से बात की है और जो मुझे फीडबैक मिला है, जांच सही दिशा में है और जो भी सूत्र और साक्ष्य हमें मिले हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे से या लोगों के बयान से, उसके ऊपर 5 अलग अलग टीमें बना करके विभिन्न स्थानों पर जांच की जा रही है। इस वक्त इससे अधिक कुछ कहा जाना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मैं केवल ये कह सकता हूं कि जो लोग शक के दायरे में हैं, कुछ को राउंडअप भी किया गया है, कुछ को ट्रैक किया जा रहा है और अन्य जो डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से जाँच चल रही है और हमें उम्मीद है कि इस अपराध को जल्दी हल कर लिया जाएगा। सर, फैमिली के जो लोग हैं नफीस सिंह राठी, उनके जो परिवार के लोग हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है? उन लोगों की कुछ डिमांड है, क्योंकि अब होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि अभी उनके जो पुत्र हैं दोनों वो यहाँ उपस्थित थे, तो उनकी भी एक मांग यही थी कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो वो भी एसपी साहब को कह दिया गया है, वो जांच एनालिसिस करके और जो भी तुरंत कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। सर, इनिशियल ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर थे ये लोग, बदमाश थे, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसमें शायद जिगाना पिस्टल की भी बात आ रही है, क्या जिगाना पिस्टल जो कि दूसरे गैंगस्टर्स जैसे गोगा मेड़ी और बाकी अतीक अहमद जैसे में इस्तेमाल किया था, क्या ये इन्फॉर्मेशन भी है, इस तरह की चीज़ें? ये जो भी इनपुट आए हैं, चाहे वो उपस्थित जो लोग मौके पर उपस्थित थे उनके बयान थे या सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी या जो भी संदेह घर के लोगों ने व्यक्त किया है, उन सभी एंगल से जांच की जा रही है। उसके अंदर हथियार कौन सा यूज़ किया गया है, कौन लोग थे, क्या वो गैंगस्टर्स थे, क्या वो सुपारी किलर्स थे, जो भी थ्योरीज चल रही हैं सभी पे जांच चल रही है और इस वक्त इससे ज़्यादा डिस्क्लोज किया जाना जांच के लिए उचित है। सर, और जानकारी है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया है, क्या इसके अलावा जिनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर है, क्या उन लोगों की भी कोई? केवल ये कह सकता हूँ कि केवल 2 नहीं, काफ़ी लोगों को अभी ट्रैकिंग में है, रडार पे हैं, चाहे वो डिटेन हैं, चाहे वो पूछताछ के लिए आए हैं, चाहे वो अन्य कारण से हैं, उससे ज़्यादा विस्तृत कहा जाना इस वक्त जांच के लिए उचित नहीं है। सर, आखिरी सवाल, पोस्टमार्टम शुरू हो गया सर नफीस सिंह और जो दूसरे उनके साथ? वो डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है और 5 टीम अभी बनाई गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इंटर काउंटर इंजिलेंस से भी आप लोग संपर्क में? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस से भी संपर्क में है और इवन जो दिल्ली के अपने सूत्र हैं उनके पास भी जो लक्ष्य साक्ष्य आए हैं उसको देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डीसी सर, जो इस वक्त यहाँ पर खुद स्पॉट पर पहुंचे और दिल्ली पुलिस जो झज्जर पुलिस के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये पूरा मामला चल रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि 5 जो लोग जो इसमें अब तक है पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और डीसी खुद बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा से सटे हुए जो दूसरे जगह उनसे भी लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जैसे कि कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़।